द्वारकाधीश मंदिर के समीप बजरिया में गजब का काम करने वाला महेश किरायेदार उस समय सदमे में आ गया जब मकान मालिक देवेंद्र चतुर्वेदी ने पुलिस बल के साथ दुकान खाली करने की बात करने लगा, जिसको लेकर किरायेदार ने हंगामा काटना शुरू कर दिया। किरायेदार ने बताया कि पिछले गत कई वर्षों से इस दुकान को मैं चलाता आ रहा हूँ, जिस पर न्यायालय में भी मुकदमा चल रहा है, जिसका फैसला आने के बाद मालिक अरविंद चतुर्वेदी के हक में कोर्ट के द्वारा साक्ष्यों के आधार पर फैसला कर दिया गया और मालिक का नहक मालिक को दे दिया। कोर्ट ने दुकान को खाली करने को लेकर आपस में झगड़े की सूचना पर इलाका पुलिस भी पहुंच गई और कोर्ट के आदेश के अनुसार मालिक को उसकी जायदाद का मालिकाना हक दिलाया गया। इस संबंध में मालिक अरविंद ने दी जानकारी। मथुरा से संवाददाता सुशील वास्ते की रिपोर्ट। हाँ सर बताइए, क्या हो गया या फिर क्या बात है? न्यायालय में मुकदमा चल रहा था खपीपा का, उसमें किराएदारी की बेदखली का ऑर्डर हुआ, उसके एग्जीक्यूशन में पुलिस फोर्स द्वारा पजेशन दुकान पर कराया गया है और वो पजेशन सफलतापूर्वक हो गया है। शांतिपूर्ण माहौल से सफलतापूर्वक कब्जा हो गया है मकान मालिक का। मगर वो बोल रहे हैं कि हमें जबरदस्ती बाहर निकाला है। कोई जबरदस्ती नहीं लगाया, उनके हस्ताक्षर मौजूद है, उन्होंने स्वेच्छा से अपना पजेशन दिया है, कब्जा दिया कोर्ट के आदेश में, उन्होंने स्वेच्छा से कब्जा दिया, उनके हस्ताक्षर मौजूद है।